नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। आज अयोध्या की धरती से, राम नगरी से हमारे साथ जुड़े हैं सीधा राजू दास जी, जिन्हें एक फायर ब्रांड जो है, अगर ये कहा जाए महाराज कहा जाए, महंत, उनकी आवाज यहाँ ने विश्व में गूंजती है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? नेटवर्क महानगर में आपका स्वागत है। आप अयोध्या से मुंबई, सबसे पहला उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस? महानगर नेटवर्क को धन्यवाद, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद, आपके कैमरामैन के आशीर्वाद और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारा आशीर्वाद। अयोध्या से मुंबई आने का अभिप्राय यही है कि यह बाला साहब ठाकरे की धरती है, वीर शिवाजी महाराज की धरती है, जहां से विदेशी आक्रांताओं की दीव हिला दी गई थी। आज उस घमंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी हैं और उद्धव जी के नेतृत्व में सनातन को खत्म करने की बात चल रही है। सनातन को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स की जैसे संज्ञा दी जा रही हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस महानगर नेटवर्क में जुड़ने का अवसर इसी नाते मिल पाया है। मैं अपील करने आया हूँ यहाँ के राजनेताओं से, नेताओं से और सनातनियों को जगाने के लिए आया हूँ कि सनातनियों जग जाओ। क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि सिर्फ सनातनियों को गाली दो, बाकी मजहब के बारे में आप बोल नहीं सकते? बोलते तो आपका जबान तोड़ देते, बोलते तो आपका जीव काट लेता, बोलते तो आपका गला काट लेता। हम सहिष्णु हैं, इसके नाते तो आप बोल पा रहे हो। इसके नाते अपील करता हूं कि धर्म विरोधियों से सावधान, और जो सनातन को खत्म करने की बात करता है उसका मुंहतोड़ आप जवाब दीजिए। और मैं निवेदन करता हूं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से, क्योंकि अब राजनेताओं में दम नहीं रह गई। अगर राजनेताओं में दम होता तो क्या रोज रोज बोलकर यह कह देना कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, यह कह देना कि अगर सनातन मोदी को वोट करोगे, मोदी मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। अरे भाई, सनातन ने आपका क्या उखाड़ लिया, क्या बिगाड़ दिया, क्या आपका ले लिया है कि हिंदुओं को गाली दोगे, सनातनियों को गाली दोगे? अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा, साधु संत नहीं सहेंगे, 80% जनता नहीं सहेगी, आपका मुंहतोड़ जवाब देगा। और तो और, साधु जगेंगे और साधु माला के साथ भाला भी उठा सकते हैं और साधु शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा सकते हैं। सनातनियों से अपील है कि जग जाओ, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दो। मन जी, जहां तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात की जाए, तो उद्धव ठाकरे जी उन्हीं के पुत्र हैं और वे आज आपको लगता है कि सनातन का छोड़ के इस तरह की बातें करते हैं कि अगर जो लोग अयोध्या आ रहे हैं वक्त, वो जाने के टाइम पे गुदरा जैसा कांड हो सकता है, कितनी मतलब उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे पूर्वजों ने सही कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे ही होगी वाणी। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनाने की नौबत आई, अगर कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा तो मैं ऐसी सरकार को तिलांजलि दे दूंगा, हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने कहा था। आज इन घमंडिया गठबंधन के साथ होकर बाला साहब ठाकरे जी के बेटा पूर्व माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब का ये बयान हो, जिनके पिताजी ने कहा गर्व से कहो कि हम सनातनी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को गिराया था, इसलिए गिराया था क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया था, वो विदेशी आक्रांता प्रतीक था, इसके नाते शिवसेना ने गिराया था, मुझे फांसी दे दो, मैं तैयार हूं। आज उसका बेटा यह कहे कि अयोध्या में जब राम भक्त जाएंगे, वापस आएंगे तो संघ विचार परिवार के लोग, बीजेपी दंगा कराना चाहती है, गोधरा जैसे खट्टन कराना चाहती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। और मुझको लगता है कहीं ना कहीं दबाव बस है, या तो फिर वो अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सनातन विरोधी वो बयान दे रहे हैं। आने वाले वीक में गणेशोत्सव यहाँ जो महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं गणेश उत्सव की बधाई देता हूँ और मैं कामना करता हूँ यहाँ पर सनातनी जग जाओ, जो सनातन का विरोध करे, जो सनातन को अपमान करे, उनका मुंह तोड़ जवाब दो, या तो उनकी मुंह तोड़ दो या तो उनकी जबान सिल दो।